बाजार का हाल अब आपको बताते हैं। आज चौतरफा बिकवाली बाजार में देखने को मिली, पूरे दिन निफ्टी में 10,600 के नीचे ही कारोबार होता दिखा। हालांकि आज के कारोबार में निफ्टी ने 10,500 के स्तर को होल्ड करने में कामयाबी हासिल की। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले शेयरों में जोरदार बिकवाली रही और 28 मार्च के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 के नीचे फिसला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक 232 अंक, निफ्टी 80 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और ऑटो शेयरों की जमकर पिटाई हुई। वहीं चीनी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। बाजार का और हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजत। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था लेकिन बाजार पर दबाव देखने को मिला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज पॉजिटिव थे, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में कामकाज कर रहा था। उम्मीद थी कि आज मार्केट पे कुछ तो खरीदारी होगी लेकिन वैसा हुआ नहीं। 10,600 के नीचे दिन भर रहे और 10,500 के करीब क्लोजिंग हुई है 80 पॉइंट गिरकर। सेंसेक्स 232 अंक नीचे। निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निजी क्षेत्र के बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे उस कारण गिरा, लेकिन आज तेजी पकड़ी सरकारी बैंक्स ने, अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी इनफैक्ट इस स्पेस में। लेकिन जो दिक्कत थी उसमें निफ्टी पे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, यूपीएल और यस बैंक सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हुए। इसके अलावा एसबीआई, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली और आज बैंकिंग में कहना कि आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को, नतीजों का ट्रिगर बना। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स हुए नेगेटिव। जेपी एसोसिएट्स 19% नीचे, अशोक लेलैंड, कोलगेट और अमराजा बैटरीज में भी आज निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स दिक्कत है यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं स्टॉक्स। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, किटेक्स गारमेंट, निटको, मोरारजी टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी का दिन नहीं था, कोलगेट के नंबर्स के बाद ये टूटा। साथ साथ एचयूएल, मैरिको, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। फार्मा सबसे कमजोर तबका है मार्केट का भी। स्ट्राइड, शासून, सीक्वेंट साइंटिफिक, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सूची बहुत लंबी है जहां पर गिरावट थी। ऑटो शेयर्स की रफ्तार कम हुई, अशोक लेलैंड, टीवीएस, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक बिटाई। सरकारी बैंक्स यहां पर खरीदारी थी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ पीएनबी 4% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। और एक तबका जो स्ट्रांग हुआ वो था चीनी स्टॉक्स, जिसमें द्वारकेश, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी और उत्तम शुगर, यहां पर तेजी बनी। लेकिन दिक्कत ऑलरेडी है मार्केट को और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एरिया मार्केट का स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स।